हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दाऊद इब्राहिम के गुर्गों के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। मुंबई में करीब एक दर्जन से अधिक जगहों पर छापेमार। मुंबई राष्ट्रीय एजेंसी एनआईए ने पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों और कुछ हवाला ऑपरेटरों के खिलाफ मुंबई में एक दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापा मारा है। ये छापेमारी दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा, पश्चिम उपनगर गोरेगांव, बोरीवली, सांता क्रूज समेत मुंब्रा, भिंडी बाजार और अन्य जगहों पर की गई है। एनआईए ने रेड की जानकारी देते हुए कहा कि अंडरवर्ल्ड डाउन दाऊद इब्राहिम के साथियों के ठिकानों पर कई जगह पर एनआईए की छापेमारी शुरू हो चुकी है। जांच एजेंसी ने कहा कि कई हवाला ऑपरेटर और ड्रग पेडलर दाऊद से जुड़े थे और एनआईए ने इस संबंध में फरवरी में एक्शन लिया था। इस साल फरवरी में एनआईए ने भारत में अशांति पैदा करने के उद्देश्य से आतंकवादी गतिविधियों, संगठित अपराध और कृत्यों में डी कंपनी के शीर्ष नेतृत्व और संचालकों की संलिप्तता में संबंधित मामला दर्ज किया था। इनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत कार्रवाई की गई है। एनआईए कराची पाकिस्तान में अपने सुरक्षित पनाहगाह से डाउन दाऊद इब्राहिम द्वारा चलाए जा रहे अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के सदस्यों द्वारा किए गए आपराधिक और आतंकवादी कृत्यों के पूरे प्रकरण की निगरानी और जांच कर रही है। यह वही मामला है जिसमें एनआईए के मामले के आधार पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। मुंबई से जागरूक टीवी के लिए खास रिपोर्ट।